तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और आज मैं आपका बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने आई हूँ, हाउ टू फाइंड अपार्टमेंट इन जर्मनी। और मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत सारी टिप्स, और मैं नहीं, मेरे जो हस्बैंड हैं दीपक वो शेयर करेंगे, क्योंकि उसने फॉलो की है ये सारी चीज़, और हम दोनों ने फॉलो करी है ये सारी चीज़ बहुत ही रिसेंटली, जो कि आपको पता है कि हम लोग कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों ने जो है फ्लैट्स वगैरह ढूंढा, और हमें फ्लैट मिल गया, एंड दैट्स अ गुड न्यूज़। और हमने वो कैसे पाया, क्योंकि इट्स नॉट ईजी, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, उसके लिए अब मैं आपको दीपक को बुलाती हूँ, जो एक्सपर्ट हैं इस केस में या फिर एक्सपर्ट नहीं बोलूंगी मैं, ये बोलूंगी कि ये इसने ये प्रोसेस अभी रिसेंटली फॉलो की है। हाँ, तो दीपक को बुलाती हूँ और दीपक बताएगा, क्योंकि इसने ये सारी प्रोसेस अभी फॉलो करी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हमने रिसेंटली घर सर्च किया है और हम उसमें शिफ्ट करेंगे बहुत जल्दी, तो ये हमारा एक्सपीरियंस है जो टोटली बेस्ड ऑन आर एक्सपीरियंस, और हो सकता है आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, सब जगह का अलग अलग हो, तो हम अपना एक्सपीरियंस जर्मनी में घर सर्च करने का बताना चाहते हैं आपसे। तो प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट होती है कि जब आपको घर ढूंढना होता है तो कैसे सर्च करते हैं। तो जो मेजर वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर तीन मेजर वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम घर सर्च करते हैं। एक है इमोबिलियन स्काउट 24, एक इमोवेल्ट करके है, और एक ईबे। तो ये तीन मेजर वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप घर ढूंढ सकते हो, और कुछ लोकल वेबसाइट्स भी होती हैं एरिया की, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर एरिया वाइज, है ना। एरिया वाइज होती हैं, प्लस फेसबुक पे जो मार्केट प्लेस होता है उस पे भी आपको घर के एड मिलते हैं, ईबे पे मिलते हैं जैसे दीपक ने बताया, और लोकल जो वेबसाइट्स होती हैं लाइक बर्लिन एरिया में कुछ अलग होता है, एंड देन जो हम साउथ एरिया में रहते हैं उसकी अलग है, बट इन जनरल इमोबिलियन स्काउट और इमोवेल्ट और ईबे, ये थ्री वेबसाइट्स। तो सबसे पहले इन्हीं वेबसाइट्स पे जाके घर सर्च करना है ऑनलाइन। आपको घर दिखेगा कि जो पर्टिकुलर फिल्टर्स होते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं, कितना रेंट चाहिए आपको, कितने रूम। अच्छा, एक और डिफरेंस मेजर यहाँ पे मैं बता दूँ उन लोगों के लिए जो लोग इंडिया से देख रहे हैं, कि यहाँ पर जो घरों का डिस्क्रिप्शन है वो ऐसा होता है कि 2 रूम 3 रूम 4 रूम्स अपार्टमेंट या 1 रूम अपार्टमेंट। तो जो यहाँ पर 2 रूम अपार्टमेंट होता है बेसिकली, वो 2 BHK नहीं होता, जो इंडिया में जिसको 2 BHK कंसीडर करते हैं ना, 2 रूम 1 हॉल, वैसा नहीं होता। यहाँ पे अगर कहीं लिखा है 2 रूम अपार्टमेंट, दैट मीन्स कि 1 रूम है और 1 हॉल है, तो वो 1 BHK ही है। और ये कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को होता है, मेरे एक फ्रेंड को भी हुआ था जो इंडिया से यहाँ आया था, उसने इंडिया से ही घर बुक किया था, उसको बोला था 2 रूम अपार्टमेंट, उसने सोचा 2 BHK, यहाँ आकर देखा 1 BHK था। तो मतलब तो ये डिफरेंस होता है, मतलब जो हॉल होता है वो रूम को ही कंसीडर, रूम में ही कंसीडर करते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पर फिल्टर करके घर सर्च कर सकते हैं, पहली चीज़। अब मान के चलते हैं आपको घर मिल गया, ठीक है, आपको घर पसंद आ गया। सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, सो ओके, घर मिल गया से मेरा पर्पज़ आपको, आपने घर ढूंढ लिया है, शॉर्टलिस्ट कर लिया कि मुझे ये घर पसंद आया है। अच्छा, ओके तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है सुरभि, कि हमें एक पर्टिकुलर ईमेल ड्राफ्ट करके रखना पड़ता है, या एक मैसेज जो आप उस ओनर को या उस डीलर को भेजेंगे, जो घर का ऐड दिया हुआ है उसको आप मैसेज भेजेंगे। वो मैसेज सिर्फ बेसिक मैसेज अगर आप भेजेंगे कि हेलो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस हाउस, या हेलो मैं ये घर लेना चाहता हूँ, क्या प्रोसेस है, तो आपको रिप्लाई मेरे ख्याल में बहुत कम चांसेस, 10% ही है कि रिप्लाई आएगा। तो मैं उसमें बताती हूँ, जो वो मेल ड्राफ्ट होता है वो अगर जर्मन में करो तो इट्स द बेस्ट थिंग, राइट। उसमें आपको अपनी सैलरी लिखनी होती है, आपकी सैलरी क्या है, आप कहाँ काम कर रहे हो, और अगर आप 2 लोग हो 2 लोग अर्निंग हो तो उन दोनों की चीज़ें, सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है, एंड आपके घर में बच्चे हैं या नहीं, आपके पास डॉग्स हैं या नहीं, या फिर और कोई से एनिमल हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें आप अगर लिख दो, ड्राफ्ट कर लो, तो वो एक ऐसा ड्राफ्ट मेल होता है जो आप जितने भी घर हैं जो आपने शॉर्टलिस्ट करे हैं उसमें आप भेज सकते हो, लाइक कॉपी पेस्ट, राइट। एक बस एक बना के लिख के रख लो कि मेरा नाम ये है, मेरी फैमिली में इतने मेंबर्स हैं, हमारी सैलरी इतनी है, हमारे घर में बच्चे कितने हैं, हम लोग स्मोक नहीं करते, डॉग या कैट है कि नहीं, ये सारी डिटेल आपको भेजनी पड़ेगी। स्पेशली सैलरी ज़रूर लिखें, तो आपके जो रिप्लाई का चांसेस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये लोग प्रेफर करते हैं कि अपार्टमेंट आप लॉन्ग टर्म के लिए लें, तो अगर पॉसिबल है तो वो मेंशन करें कि हम अपार्टमेंट लंबे समय के लिए लेना चाहते हैं।
तो मैं एक चीज़ मेंशन कर देती हूँ उसमें, जब हम लोग इनिशियली कर रहे थे लोगों को रिप्लाई, मतलब हम बोल रहे थे कि हम इंटरेस्टेड हैं इन अपार्टमेंट्स में, जब हम ढूंढ रहे थे तो हम लोगों को आंसर नहीं आ रहे थे। फिर हम टिप है वो हमारे एक दोस्त ने बताई, और उसके बाद हमने जितने मतलब मैक्सिमम जितने भी लोगों को हमने बोला कि हाँ हम आपके अपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो उनका हमें रिप्लाई आया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप मतलब रेडी करके रखो। इसके अलावा दीपक, ओके नेक्स्ट, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको उसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे या पोर्टल पे आपको आपकी शूफा रिपोर्ट अपलोड करनी होती है। शूफा रिपोर्ट मतलब होती है क्रेडिट रिपोर्ट, यहाँ पर जो क्रेडिट हिस्ट्री है, आपने अपने लोन्स लिए हैं, ईएमआईस आपने टाइम पे किए हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल टाइम पे किए हैं, तो आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री जनरेट होती है एक पर्टिकुलर एजेंसी से, सेंट्रल एजेंसी, तो उसको बोलते हैं शूफा रिपोर्ट। वो उसकी वैल्यू बहुत है, इसलिए आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। ये अब मान के चलते हैं आपको रिप्लाई आ गया उस बंदे का कि आप आइए, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है? तो नेक्स्ट प्रोसेस होती है आपकी कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है वो घर देखने जाने के लिए। तो वो बंदा आपको रिप्लाई करेगा बेस्ड ऑन आपके अवेलेबल टाइम, आप लोग एक टाइम फिक्स करेंगे, आप वहाँ जाएंगे, घर देखेंगे। घर देखने के बाद आपको अगर घर पसंद आया, आई वुड से अगर आपको घर पसंद आया इमीडिएटली आप कन्फर्म करें, तुरंत थप्पड़ लगा दो वहाँ, क्योंकि अगर आपने एक घंटे की भी वो करी, मतलब आपने नहीं बताया आपको पसंद आया और आपने ये बोला, जो हमारी आदत होती है, हम बोलते हैं अरे कल बता देंगे, परसों देखेंगे और सोचेंगे, वो घर चला जाएगा। हाँ। क्योंकि हम दोनों ने पहले भी मेंशन किया है, एक घर की एप्लीकेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको पसंद आया, अगर आपको रिप्लाई भी आ गया और आपको उन लोगों ने अपॉइंटमेंट भी दे दी, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर पसंद आ गया तो प्लीज़ उस टाइम पे आप उसे हाँ करो, राइट। अगर आपको जमा तो डिसीजन लो और ख़त्म करो। अब मान के चलते हैं आपको पसंद आ गया, आप उसके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत है इसके लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको लास्ट 3 मंथ्स की पे स्लिप, उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी जर्मनी में रह रहे हैं। अगर कोई नया इंडिया से आया है तो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपका क्या बोलते हैं उसको, वर्क कॉन्ट्रैक्ट ही बोलते हैं ना, जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, वो आपको देना पड़ेगा। तो 3 मंथ्स की पे स्लिप हो गई, शूफा रिपोर्ट, क्रेडिट रिपोर्ट हो गई आपकी, और प्लस कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स होते हैं उस पर्टिकुलर एजेंसी से रिलेटेड जिसके थ्रू आप घर ले रहे हैं, वो फॉर्म फिल करके साइन करके उनको भेजना होता है, जिसमें लिखा होता है कि आप कितने लोग इस घर में रहेंगे, क्या नाम है उनके, क्या डिटेल्स हैं, आपके घर में बच्चे हैं या नहीं है, स्मोकिंग वगैरह, पेट्स, सारी इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है। प्लस आपको यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप अभी तक फॉर एग्जांपल जर्मनी में किसी घर में रह रहे थे, आप घर चेंज कर रहे हैं, तो आप जिस घर में रह रहे थे उस पर्टिकुलर घर के ओनर से फॉर्म फिल अप कराना पड़ता है कि हमने सारे रेंट टाइम पे किए हैं, हमने कोई भी आपका जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी बिल या किसी में भी कोई डिले नहीं किया है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जहाँ भी रह रहे हो आप सारी चीज़ें टाइम पर पे करें, क्योंकि ये आप जब नया घर चेंज करोगे तो उस टाइम पे ये रिक्वायर्ड होता है, जो इम्पॉर्टेंट है। तो जो नया ओनर है वो देखना चाहेगा कि आपकी हिस्ट्री कैसी है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ऑब्वियसली हम लोगों का टारगेट वो लोग तो हैं ही है जो नए आने वाले हैं, तो उसके लिए तो दीपक ने बताया, पर वो लोग जो ऑलरेडी रह रहे हैं और वो अपने घर को अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप अपना घर अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि जब आप नेक्स्ट कोई घर ढूंढोगे तो आपको वो वाली रिपोर्ट ज़रूरत पड़ेगी जो आपको आपका ही घर का एजेंसी या फिर ओनर है वो देगा। तो ये तो एक क्विक रिवाइज उनके लिए जो लोग इंडिया से यहाँ आने वाले हैं और घर ढूंढ रहे हैं इंडिया में बैठकर। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जॉब मिल गई है, वो वहाँ से घर ढूंढ रहे हैं, तो आप ये 3 वेबसाइट्स पर जाके घर ढूंढें, पूरी डिटेल में जर्मन में लिख के उनको सारी चीज़ें भेजें, आपका पूरा डिटेल कि आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने टर्म का है, आपको लंबा लॉन्ग टर्म में घर चाहिए, फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं और सैलरी कितनी है, ये लिख कर भेजें, आपको रिप्लाई आएगा। आप इंडिया से ही फोटोज़ के थ्रू या वीडियोस के थ्रू देख सकते हैं और इमीडिएटली घर फाइनल कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आप उन्हें भेजें, तो आपका आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाता है। हाँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। तो हम अभी तक कहाँ पहुँचे, हाउस कॉन्ट्रैक्ट फाइनली आपका। हाँ। आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जब भेज दिए उसको, तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है कि आपको एक रेंट कॉन्ट्रैक्ट वो जो ओनर है वो बना के भेजेगा। तो रेंट कॉन्ट्रैक्ट में सारी डिटेल्स लिखी होंगी कि आपका रेंट कितना है, आपका इलेक्ट्रिक मतलब कुछ अदर चार्जेस हैं वो इंक्लूडेड होंगे, हाउस रूल्स क्या हैं वो इंक्लूडेड होंगे, गारबेज को मैनेज करने का तरीका लिखा होगा, जो अमेनिटीज़ हैं उनको यूज़ करने का पूरा सिस्टम लिखा होगा, ठीक है, और प्लस आपका रेंट नेक्स्ट ईयर से कितना होगा, उसके नेक्स्ट ईयर कितना होगा, वो भी चीज़ें मेंशन करते हैं कई कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो ये सारी डिटेल आपको आएंगी, उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ें, जर्मन में है तो उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ें, एक एक चीज़ को एनालाइज करें, कहीं डाउट है तो कन्फर्म करें, और फिर साइन करके आप ये कॉन्ट्रैक्ट भेज सकते हैं। दैट मीन्स आपका
घर फाइनल हो गया। तो दीपक मुझे कुछ इसमें डाउट है, जैसे घर, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ डिपॉजिट पे करना होता है, तो यहाँ पर भी कुछ डिपॉजिट राइट होता है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन, ये मैंने मिस कर दिया था। हाँ, यहाँ पर होता है, हम जिस एरिया में रह रहे हैं यहाँ पर जनरली 3 मंथ्स, यहाँ पर दो तरह के रेंट होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक को बोलते हैं कोल्ड रेंट, एक को बोलते हैं वार्म रेंट। कोल्ड रेंट वो होता है जो बेस रेंट होता है। फॉर एग्जांपल, मैं मान के चलता हूँ कोल्ड रेंट है 800 यूरो, 800 यूरो, ठीक है। तो वार्म रेंट और कोल्ड रेंट में क्या डिफरेंस, वार्म रेंट उससे ज़्यादा होगा। वार्म रेंट में क्या होता है, अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होते हैं, कि 800 आपका बेसिक रेंट है, प्लस उसके अलावा गार्बेज का मैनेजमेंट, कोई अगर बिल्डिंग में आके क्लीनिंग कर रहा है उसका वो मेंटेनेंस, प्लस हीटिंग कॉस्ट इंक्लूडेड है, ये सारे एडिशनल कॉस्ट इंक्लूड होके आपका वार्म रेंट होता है, जो आपका एडिशनली 800 कोल्ड रेंट है, तो वार्म रेंट 900-950 भी हो सकता है, मे बी 1000 हो, डिफरेंट होता है अलग अलग जगह, ये डिफरेंस होता है दोनों रेंट्स में। फिर आता है आपका कॉशन मनी। कॉशन मनी यहाँ पर जनरली होती है 3 times ऑफ कोल्ड रेंट, मतलब बेसिक रेंट 3 times। मान के चलो आपका कोल्ड रेंट 800 है, तो आपका कॉशन मनी अराउंड 2400 यूरोज के आसपास होता है 3 times जनरली। कई जगह कम भी होता है, किसी की जगह 1 month का लेते हैं, किसी जगह 2 months का, बट जो बेसिक जनरल स्टैंडर्ड है वो 3 months। और फिर आप जब भी घर ले रहे हैं उस टाइम पे आप कंफर्म कर लें कि नोटिस पीरियड क्या है, जब आप घर खाली करना चाहते हैं तो आपको कितने टाइम पहले बताना पड़ेगा। जनरली 3 months होता है, आपको 3 महीने पहले एडवांस में बोलना पड़ेगा। अगर आपकी कोई इमरजेंसी में आपको घर खाली करना पड़ रहा है तो आपको 3 months का रेंट पे करना पड़ेगा, ये एक जनरल प्रोसेस है यहाँ पर। और यहाँ पर जनरली ऐसा होता भी है कि लोग जो होता है, जैसे जब उनके चेंजेस होते हैं एक घर से दूसरे घर, तो वो लोग दोनों जगह कुछ महीनों तक दोनों जगह पे करते हैं, बिकॉज हमने बताया कि थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर घर मिलना, बट दैट डजंट मीन कि बहुत मुश्किल है। उसके कुछ टिप्स हैं जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, वो आप अगर फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत ईजिली यहाँ पर घर मिलेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, ये तो दीपक एक हमने फ्लैट के बारे में बता दिया, बट इसके अलावा भी बहुत सारे स्टे करने की जगह होती हैं, ऑब्वियसली वो हम अगले पार्ट में बताएंगे। अभी हम अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, हेडिक यहीं पे ख़त्म नहीं होती, पता है यहाँ पर उससे भी बड़ी हेडिक होती है घर शिफ्ट करना, जो हमारे साथ होने वाली है। और आप देखते रहना हमारे वीडियोज़ में, कनेक्टेड रहना कि उसकी क्या प्रोसेस है और वो कैसे करते हैं, क्या तरीके हैं, वो हम आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। तो अभी तक हम लोग पहुँचे हैं अपने घर शिफ्ट करने तक के लिए, तो हम लोगों ने मेडजिंगन में घर जो है वो फाइनल कर लिया है, उसकी प्रोसेस ये सारी प्रोसेस थी जो हमने बताई। ऑब्वियसली हमने बहुत सारे टिप्स थे जो आप लोगों से शेयर करें, जो हमें पता चले हमारे फ्रेंड से या खुद से पता चले, खुद से सेल्फ हम लोगों को पता चला। तो इसके अलावा मुझे लगता है हम कुछ नहीं भूल रहे हैं ना? नहीं, अगर कोई आपको कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड, आप कमेंट करना और हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, अगर हमें वो चीज़ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो। तो होपफुली ये आपको हेल्प करेगा घर ढूंढने के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड ऑब्वियसली जब मैं यहाँ आने वाला था तो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी कि मैं घर कैसे ढूंढूँ। कई ऐसे फ्रेंड्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इंडिया से आ रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ऑफकोर्स आपका आईडी और पासपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है, वो भी देना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बता देती हूँ, डॉक्यूमेंट्स में आपका जो रेसिडेंट कार्ड है और आपका पासपोर्ट है, आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, एंड 3 months payslip है, 3 months payslip है, ये major important part है, ये important चीज़ है। इसके अलावा और सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो हाँ ऑब्वियसली पासपोर्ट और रेसिडेंट कार्ड तो ज़रूरी होता ही है। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा जिनको ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, और आगे की इन्फॉर्मेशन शिफ्टिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियोस। हाँ ऑब्वियसली, और हमारे ब्लॉग्स को भी फॉलो करते रहिए ताकि आप लोगों को जो भी चल रहा है वो भी पता चलता रहे। इसी के साथ हम लोग जाते हैं, और शायद हमने जो बिग क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड अपार्टमेंट इन जर्मनी, या वॉट काइंड ऑफ टिप्स जो हैं वो आप लोग यूज़ कर सकते हो, उसका हमने आंसर दिया हो। अगर हाँ तो आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट करना कि आप लोगों को क्या लगता था, अरे यार ये जो है वो पहले पता होता तो बहुत अच्छा हो जाता, या फिर जो आपने सोचा ही नहीं था और वो हमने बता दिया। दोनों में से जो भी चीज़ है वो कमेंट करना, और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी डेली लाइफ से जुड़ना है तो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सुरभि दीपक व्लॉग्स पे, जिसमें हम हमारी डेली लाइफस्टाइल शेयर करते हैं और जो रेगुलर चेंजेस हो रहे होते हैं, जो हमारा डेली लाइफ चल रहा होता है लाइफ में वो। और होपफुली आपका वीडियो अच्छा लगा। बाय बाय, टेक केयर।